जय साई राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल पे। आज मैं लेकर हाजिर हूं नया विषय। आप जानते हैं कि हम प्रतिदिन एक उपाय करते हैं, हम प्रतिदिन उपाय करते हैं जिससे कि हमारे नौ के नौ ग्रह उचके हो जाते हैं। ये उपाय सूर्य डूबने से पहले होना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद किया गया उपाय हमें कर्म देता है, यानी धार्मिक संपन्नता देता है, परंतु सूर्य के बीच में जब हम करते हैं तो वह उपाय हमारे नौ ग्रहों को उच्च करता है और साथ ही साथ हमारे कर्म भी बनाता है। तो इसलिए सूर्य डूबने के बाद यदि कोई उपाय होगा बता दिया जाएगा। ये उपाय आप करें, प्रतिदिन बताया जाता है, प्रतिदिन करें, बहुत लाभ होगा। ये नहीं है कि आज सोमवार का बताया आप वही उपाय हर सोमवार करते रहिए। प्रत्येक सोमवार को अलग उपाय होता है, ग्रहों के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार। तो आप कीजिए, आपको लाभ होगा। यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहें वो भी दिखा सकते हैं। वैसे आपकी जन्म कुंडली में आपकी प्रत्येक समस्या का राज छिपा रहता है, आपकी जन्म कुंडली में आपकी प्रत्येक मनोकामना का राज छिपा रहता है। तो आप योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखा सकते हैं, हमारे संस्थान में भी दिखा सकते हैं। फीस होती है, वो फीस आप पे करके अपनी जन्म कुंडली भेजेंगे तो देख दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का उपाय, आज का वीडियो। जय साई राम। अब हम बात करेंगे 23 दिसंबर 2020 के उपाय की। 23 दिसंबर 2020 को बुधवार का दिन है और बुध का उपाय हमें बहुत अधिक लाभ देता है, क्योंकि जब बुध नीच हो जाते हैं तो बहुत नुकसान करते हैं। तो आइए अब हम बुध का उपाय बताएं। मशरूम ले लीजिए, खुम्भ मशरूम लीजिए और इसको शिव मंदिर में जाकर रख दीजिए। मशरूम किसी के हाथ में नहीं देनी है, ये नीच दान है, जहर है और जहर सिर्फ शिवजी पीते हैं, इसलिए वहाँ पर रख दें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप मूंगी साबुत दाल, हरे रंग की दाल का दान कर दीजिए। यदि आप दान भी नहीं कर सकते हैं तो भिगोकर पक्षियों को डाल दीजिए। ये भी नहीं कर सकते हैं तो जल प्रवाह कर दीजिए। इन में से कोई ऑप्शन अपना लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन ज़्यादा अफेक्टिव है, बहुत अधिक लाभ आपको देगा, क्योंकि कई लोगों की कुंडली में बुध कुछ इस तरह से बैठे होते हैं कि जब भी चंद्र, मंगल, राहु अपना घर बदलते हैं तो बुध उनको नुकसान देने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को ये बुध का उपाय लाभ देता रहता है। वैसे अपनी जन्म कुंडली आपको अवश्य दिखा कर रखनी चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली के उपाय कुछ विशेष ही लाभ देते हैं। तो ये जो जर्नल उपाय हैं प्रतिदिन के, ये भी बहुत लाभ देते हैं, क्योंकि कौन सा ग्रह कब नीच हो जाए आपको पता नहीं चलता है। तो ये उपाय करने से आपके सभी ग्रह अपनी डिग्री में रहते हैं और नुकसान नहीं कर पाते हैं। अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं ब्रिजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूँ, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों के जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता, जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं
ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो, हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।